पूछताछ में माधुरी गुप्ता ने जो किए हैं वो भी हैरान करने वाले हैं। माधुरी का दावा है कि उसने सीनियर अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के लिए जासूसी की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में कैद माधुरी गुप्ता ने जो खुलासे किए हैं उसमें उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं, बल्कि उसका दावा है कि वो अपने सीनियर अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए ये सब करती रही। पुलिस ने माधुरी गुप्ता से कड़ी पूछताछ की जिसमें कई सवाल किए गए। मसलन सवाल नंबर एक, आप जासूसी के लिए सूचनाएं कैसे जुटाती थीं? हाई कमीशन परिवार की तरह है, मैं कई स्टाफ को निजी तौर पर जानती थी। इनमें से जो संवेदनशील असाइनमेंट्स देख रहे थे मैं उनसे अनौपचारिक बातचीत में सूचनाएं जान लेती थी और पाकिस्तानी जासूसों को बता देती थी। सवाल नंबर दो, आप सूचनाएं कैसे ट्रांसफर करती थी? मैं इन्हें ड्राफ्ट कर ईमेल कर देती थी। सवाल नंबर तीन, पाकिस्तानी जासूसों को ईमेल भेजने के लिए आप किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करती थी? मैं अपने घर का कंप्यूटर इस्तेमाल करती थी। सवाल नंबर चार, आप पाकिस्तानी जासूसों के संपर्क में कैसे आए? मुझे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे मिलवाया। सवाल नंबर पाँच, आप किन पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में थी? पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो। सवाल नंबर छह, क्या आप ISI के संपर्क में भी थी? नहीं। सवाल नंबर सात, आपने ऐसा क्यों किया? आपके रिटायर होने में सिर्फ 6 महीने बचे थे, आपका करियर भी अब तक अच्छा रहा है, आप ग्रुप बी अफसर के लेवल पर आ गई थी, फिर आपने देश का सौदा क्यों किया? मैंने पैसे के लिए ये सब नहीं किया, मैं IFS अफसरों को सबक सिखाना चाहती थी। मेरे जैसे लोग जो सारा काम करते हैं फिर भी हमारे साथ निचले दर्जे जैसा सलूक होता है। सवाल नंबर आठ, तो आप ये कहना चाहती हैं कि सीक्रेट डील के बदले आपने कोई पैसा नहीं लिया? मैं IFS अफसरों से हिसाब बराबर करना चाहती थी, मैं उन्हें दिखाना चाहती थी कि वे वाकई कितने काबिल हैं। अगर इतने ही काबिल हैं, तो फिर मैं 2 साल से ये सब करती रही और उन्हें पता कैसे नहीं चला। सवाल नंबर नौ, एक देशद्रोही होने के कलंक के साथ आप कैसे जी सकेंगी, यहाँ तक कि आपका भाई भी आपकी वजह से शर्मिंदा होगा? मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं, ये आपके लिए बड़ी बात होगी लेकिन मुझे अफसोस नहीं। इस्लामाबाद हाई कमीशन को जो लोग चला रहे हैं उनके लिए यही सलूक वाजिब है, लेकिन आप अपना काम कीजिए क्योंकि आपके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा केस साबित होने जा रहा है। माधुरी गुप्ता ने जो दावे किए हैं उनकी असलियत जांच का विषय है, लेकिन माधुरी का जब्त कंप्यूटर पिछले 3 साल में भेजे गए उसके ईमेल और संदेह के घेरे में आए कई और भारतीय राजनयिकों के जरिए अभी कई और सनसनीखेज खुलासे सामने आ सकते हैं। आशीष खेतान, दिल्ली, आज तक।